यदि गांधी जीवित होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते, स्वयंसेवक बनकर। गजब। आरएसएस कोटे वाले एमपी साहब तो त्रिकालदर्शी निकले। बड़े बड़े अघोरी पता नहीं धूनी रमाकर बैठे रहते होंगे नदी किनारे बरसों बरसों, लेकिन तब भी ऐसी दृष्टि हासिल नहीं हो पाती होगी। यदि गांधी जीवित होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते, स्वयंसेवक बनकर रहते। सोचिए भक्ति से क्या हासिल नहीं होता। जिस साल हेडगेवार पर पीएचडी वाले राकेश सिन्हा पैदा हुए थे तो नेहरू भी स्वर्गीय हो चुके थे, लेकिन सरजी ने संघ की ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, ऐसी साधना की कि 54 के होते होते समझ गए कि 71 साल पहले राष्ट्रवाद की ज्वाला में सुलगते हत्यारे ने गांधी को गोली न मारी होती तो वो संघी होते। यदि गांधी का वाद का सच्चा सारथी और वाहक है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। अब देखिए कि त्रिकालदर्शी राकेश सिन्हा 1948 में गोलियों से भून दिए गए गांधी के दिल को समझ गए। उम्मीद है कि नागपुर केस नंबर 176 भी उन्हें याद होगा। सुनिए क्या था वो केस। 26 जनवरी 2001 को संघ के नागपुर मुख्यालय पर तीन युवकों ने जबरदस्ती तिरंगा फहराने की कोशिश की। तीनों लोग इस बात से नाराज थे कि संघ मुख्यालय पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी तिरंगा नहीं लहराया जाता। संघी तिरंगा लहराने की कोशिश से इतने खफा हुए कि तीनों पर एफआईआर लिखवा दी। 1947 से लेकर 2002 तक 55 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया। 11 साल बाद नागपुर की अदालत ने फैसला सुनाया कि संघ पर तिरंगा लहराकर युवकों ने गुनाह नहीं किया है। राकेश सिन्हा तो संघ पर पीएचडी हैं, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बापू की हत्या के बाद जब संघ पर पटेल ने पाबंदी लगाई तो इसे हटाने के एवज में गोलवलकर के सामने ये भी शर्त रखी थी कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज मानना होगा। जो इसने हत्या की, देश की न्याय व्यवस्था ने उसे सजा दी, उसके पक्ष में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। सरासर झूठ बोल रहे थे राकेश सिन्हा, क्योंकि सुविधा की राजनीति बहुत कुछ भुला देती है। सच ये है कि बापू के हत्यारे गोडसे की एक पुजारन को भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर संसद भेजती है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। जिस गोडसे ने भारत को असमय अनाथ बना दिया, मानवता के उस अपराधी की वंदना के लिए वाकई ताकत चाहिए। राकेश सिन्हा की जमातें कभी नहीं समझेंगी कि गांधी को समझने के लिए सत्ता की नहीं नैतिकता की जरूरत होती है, और मूर्तियों पर माला चढ़ा देने के आडंबरों से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता।